हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब टू माय चैनल और जिन्होंने अभी 12th पास किया है एंड दे आर थिंकिंग टू गेट एडमिशन इन बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, या फिर जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनके पास 10 दिन या 15 दिन का टाइम है, अभी कॉलेज नहीं खुले हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं जो यूज़ होंगी आपको बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में वो आप पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो जो है उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में है, इसके कई पार्ट में अपलोड करूँगी बिकॉज एक वीडियो में सारी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं डिफाइन हो सकती हैं, वो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ में उसके पार्ट जो हैं पार्ट वन पार्ट टू वो अपलोड करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम एडमिशन ले रहे हैं डी फार्मा में या बी फार्मा में तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं क्या बेसिकली, उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, उनके उनके मीनिंग क्या हैं, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। देन वी विल गो द टर्मिनोलॉजीज पार्ट और वी कैन से कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो उन सब सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे, जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड अ PPT फॉर यू, तो मैं PPT की स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ सो दैट कि आप उसको पढ़ भी पाएँ और मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हैडिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज इन बी फार्मा और डी फार्मा। नेक्स्ट स्लाइड इज फार्मास्यूटिक्स। देर इज अ वन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट्स जो हैं यानी कि बी फार्मेसी या डी फार्मेसी के, वो मेन सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी जो सब पार्ट्स हैं वो एज ए सब्जेक्ट्स आप बाकी रिमेनिंग ईयर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में या और ईयर्स में भी आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो ये सब्जेक्ट एक कैटेगरी है, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी की कैटेगरी है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं अपने 4 साल या 2 साल के कोर्स के ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फार्मास्यूटिक्स एंड व्हाट इज इट। द फार्मास्यूटिक इज द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन। देर आर मैनी केमिकल्स विद नोन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बट ए रॉ केमिकल इज ऑफ नो यूज टू ए पेशेंट। फार्मास्यूटिक्स डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्योर ड्रग सब्सटेंस इन टू ए डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म डिजाइन करने की जो साइंस है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स एक आप कह सकते हो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें हम डोजेस फॉर्म डिजाइन करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करेंगे या इनका क्या हमको एडवर्स इफेक्ट यानी इनको इनकी लाभ या हानि, आप सिंपल शब्दों में कहें तो इनका आपको क्या मिलने वाला। तो अगर हम किसी बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स की या बहुत सारे केमिकल्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जानते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे किसी यूज़ के नहीं है बिकॉज हम पेशेंट को डायरेक्टली केमिकल्स तो नहीं कंज्यूम करने के लिए दे सकते ना, तो हमको उसकी डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करनी होती है। मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट की, हमको कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास एंड वी नो कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारी बॉडी में जाके क्या इफेक्ट शो करता है, यानी कि उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमको पता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को हम एज इट इज़ पेशेंट को नहीं दे सकते। तो हमको क्या करना होगा, हमको उसकी डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करनी होगी, हमको डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेट करनी होगी। डोजेस फॉर्म क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की हमको टैबलेट बनानी है, सस्पेंशन बनाना है, इमल्शन बनाना है, किस रूप में हमको वो फॉर्मुलेट करनी है। अब जितनी भी टर्म जैसे सस्पेंशन है, इमल्शन है, ये मैं जो बता रही हूँ ये हम मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी, ये भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो किसी भी केमिकल कॉम्पोनेंट्स या किसी भी रॉ मटेरियल की जो बिल्कुल रॉ है, जो बिल्कुल आप कह सकते हो के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं केमिकल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज करना, उनका स्वरूप चेंज करना, टैबलेट बनाना, सिरप बनाना, उनका सिरप और टैबलेट कहलाती हैं डोजेस फॉर्म। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है, एक साइंस है डोजेस फॉर्म की जिसमें हम बहुत सारे केमिकल जिनके हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी जानते हैं लेकिन वो केमिकल किसी भी यूज़ के नहीं होते हैं पेशेंट के, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उस ड्रग को फॉर्मुलेट करना पड़ता है डोजेस फॉर्म में ताकि पेशेंट जो है वो आसानी से उसको कंज्यूम कर पाए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ये फार्मास्यूटिक्स होता है। नेक्स्ट ऐसे ही क्या है इसमें फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमने फार्मास्यूटिक्स के पार्ट में भी पढ़ा है कि फार्माकोलॉजी इसमें आया है ना फार्मास्यूटिक्स जस्ट लाइक दिस फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दिस वन। तो नेक्स्ट जो है हमारा फार्माकोलॉजी है, साइंस ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन कंपोजिशन फार्माकोकाइनेटिक्स थेरापेटिक यूज एंड टॉक्सिकोलॉजी द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ड्रग स्पेशली विद रिलेशन ऑफ देयर थेरापेटिक वैल्यू। तो साइंस
वो साइंस, ड्रग्स की वो साइंस जो इंक्लूड करती है कि ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से ये ड्रग हमको ऑप्टेन आउट हुई है, कहाँ से मिली है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनी है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग पे क्या इफेक्ट डाल रही है। मान के चलिए आपने कोई ड्रग कंज्यूम की, आपके स्टोमक में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो आपके स्टोमक या इंटेस्टाइन में जो एसिड और बेस प्रेजेंट है वो उस ड्रग पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी क्या है, वो साइंस जो इंक्लूड करती है कि ड्रग का ओरिजिन कहाँ से है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसका थेरापिटिक यूज क्या है, मतलब उसका क्या प्लस पॉइंट है, किस लिए हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में जाके क्या हमको प्लस, या कि अगर हम मान के चलिए कोई हम पेन किलर खा रहे हैं तो वो हमारा पेन रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द थेरापिटिक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन किलर। तो इस तरीके से क्या थेरापिटिक यूज है और उसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या, यानी कि क्या हानि वो हमारी बॉडी में कर रही है, तो इन सब की स्टडी जो की जाती है वो की जाती है फार्माकोलॉजी में। फार्मास्यूटिक्स में क्या है, हम डिजाइन कर रहे हैं डोजेस फॉर्म, सिरप बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं इस रॉ मटेरियल से, उसके बाद वो डोजेस फॉर्म बन गई, डोजेस फॉर्म को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद क्या है कि बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रही है, बॉडी उसके ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रही है और ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रही है, और उसको खाने के बाद अगर हमको फायदा हो रहा है तो कुछ अगर हमको नुकसान भी हो रहा है, तो उन सब की जो स्टडी है वो फार्माकोलॉजी में आती है। द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ड्रग स्पेशली विद रिएक्शन ऑफ देयर थेरापिटिक वैल्यू, एंड प्रॉपर्टीज क्या है या रिएक्शन क्या कर रही है, उन सबकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो कंप्लीट जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे इन सबको इंक्लूड करते हुए उसको हम जानेंगे फार्माकोलॉजी के नाम से। आगे क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं दैट्स वाई इट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अकार्बनिक, जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़े हुए हैं अकार्बनिक और कार्बनिक जो केमिस्ट्री हमने पढ़ी है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द डिजाइन, ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। द एम इज टू गेन न्यू मॉलिक्यूल्स दैट कुड एनेबल द डिस्कवरी ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल टू ऑप्टिमाइज ऑलरेडी नोन ड्रग स्ट्रक्चर, देयर बाय टू एक्सपेंड द पोर्टफोलियो ऑफ केमिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील करेगी द सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, उनकी सिंथेसिस क्या है, एक कंपोनेंट से एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट से अगर हम मिक्स कर रहे हैं और हमको कोई एक एंड प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करके हमको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो उनकी सिंथेसिस क्या है, वो क्या क्या मॉलिक्यूल बने, कौन सी गैस रिलीज, यानी कि पूरी केमिस्ट्री हमको पढ़नी होती है मेडिसिन केमिस्ट्री। और एक बेसिक केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होते हैं जैसे डेंटल प्रोडक्ट्स है, या फिर आप पढ़ते हैं कि इम्प्यूरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकती हैं हमारी रॉ मटेरियल में, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, अकार्बनिक चीज़ें आप पढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, जिसमें जो मेडिकल पर्पज़ के लिए, यानी कि जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जो मेडिसन्स होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड मेडिसिन पर्पज़ से यूज़ होते हैं, उनके हमको स्ट्रक्चर, उनकी ड्रग डिज़ाइनिंग हमको पढ़नी होती है। ड्रग डिज़ाइनिंग बेसिकली कि हम उसमें कोई अदर मॉलिक्यूल अटैच करके डिज़ाइन देखते हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर ऑप्टेन आउट हुआ है, और दो रिएक्टेंट को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मेडिसिनली हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इन फार्मेसी द फार्मासिस्ट इज वेल नोन अबाउट द इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट के बारे में उसको कंप्लीट पता होता है, उसको ये मालूम होता है कि पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट अगर है हमारे ड्रग में कंप्लीट सॉरी मेडिसिन में, तो उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का क्या यूज़ है, क्या वो इफेक्ट करेगा बॉडी में, क्या उसकी हानि होंगी, वो सब चीज़ें एक फार्मासिस्ट को पता होती हैं, क्योंकि उसका सिलेबस ही उस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि आपको ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ डोजेस फॉर्म आपको पढ़ना होता है। तो ये होगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेड to establish a new avenue called pharmaceutical inorganic chemistry. It deals with the study of preparation, standard of purity, limit test for determining quality, purity and storage condition of all inorganic compounds.
फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद ये नहीं है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस यानी उनके यूज़ क्या है वो उसकी स्टडी करनी होती है, और उनका प्रिपेयर हम उनको कैसे कर सकते हैं, बेसिकली प्रिपरेशन, व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन स्टोर देम, तो ये हमको पढ़ना होता है। ओरिजिन क्या है ये हमको पढ़ना होता है, और इसमें पढ़ने होते हैं लिमिट टेस्ट, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट का, लिमिट टेस्ट आपको पढ़ने होते हैं। लिमिट टेस्ट क्या है कि अगर हमारे किसी भी रॉ मटेरियल में या किसी भी कंपोनेंट्स में इम्प्योरिटीज हैं लेकिन वो विद इन लिमिट नहीं है तो दैट इज़ हार्मफुल, लेकिन वो विद इन लिमिट है, बियरेबल है, तो हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में कितनी परसेंट इम्प्योरिटीज हैं, आगे हम उसको फर्दर इसको भेज सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल को या नहीं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड कोई भी कंपोनेंट रखते हैं जो कम्प्लीटली प्योर है, और उससे कंपैरिजन करके हम अपना जो टेस्ट मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको कंपैरिजन करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड वाले से कम है देन टेस्ट इज पास, और स्टैंडर्ड वाले से ज़्यादा इम्प्योरिटीज हैं तो टेस्ट इज फेल। जैसे हम बेसिकली आप कह सकते हो कि कोई 1 kg का कोई पैकेट है, उससे हम 1 kg कोई खुला बल्क में चीजें अगर हम वे कर रहे हैं, तो इस तरीके से कंपैरिजन बेसिकली करते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू से अपनी टेस्ट वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। अगर इम्प्योरिटीज विद इन लिमिट है दैट्स ओके, अगर नहीं है तो इट इज नॉट ओके, वी नीड टू एक्सचेंज दैट प्रोडक्ट और हमको दोबारा टेस्ट परफॉर्म करना है, दैट इज द फर्दर प्रोसीजर्स। अब ये हो गया स्टोरेज वगैरह हम इसको पढ़ते हैं। अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है? एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी टर्म्स का मतलब है व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। अब बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ लिया, लेकिन बॉडी जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो वर्क कैसे कर रहा है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी इज व्हाट, नथिंग बट द बॉडी शेप या बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना, कि विच बॉडी जॉइंट्स आर देयर इन द बॉडी, ये हमको पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर हमको पढ़ना होता है बॉडी का। उसके बाद जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं या कोई भी एक्स वाई जेड कोई बोन वो कैसे वर्क करती है, दैट इज द फिजियोलॉजी पार्ट। तो ये भी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में है। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपने बॉडी के बारे में पढ़ लिया कम्प्लीटली, आपको पता है कितनी बोन्स हैं, कितनी आर्टरीज हैं, कितनी वेन्स हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी आती है, बॉडी कंप्लीट आपने नोन है, आपको पता है, उसके बाद फार्माकोलॉजी आती है कि अब बॉडी पे इफेक्ट क्या कर रही है, ड्रग आपने खाई तो क्या हुआ, ड्रग के ऊपर बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, इस तरीके से। जैसे ड्रग के ऊपर बॉडी क्या रिएक्ट करती है, अगर आपको ड्रग किसी पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन से एलर्जी है तो आपको एलर्जी शो होगी, आपको जो कहीं एलर्जी या फिर कोई दाने या फिर इस तरीके से आपको वो फील होता है, या फिर आप कह सकते हो लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह से चीज़ें फील होती हैं, सॉरी, ठीक है। अब है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, एज वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो ओरिजिन है वो नेचुरल प्लांट से है, हर्बल प्लांट से है। तो हर्बल प्लांट से ड्रग्स का ओरिजिन, उनके बारे में स्टडी करना फार्माकोग्नोसी का पार्ट होता है। तो बेसिकली अगर हम कोई हर्बल प्लांट यूज कर रहे हैं या हर्बल प्लांट का एक्सट्रैक्शन करके हमको कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है कि वो इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी में थेरापेटिक वैल्यू इंक्लूड करता है, जो हमारी बॉडी में शो करता है, एक्शन शो करता है, ठीक है। तो वो सब की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद मेडिसिनल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और अदर नेचुरल सोर्स ऑरिजन। तो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कंसर्न करती है मेडिकल ड्रग्स जो प्लांट्स या नेचुरल ओरिजिन से ऑप्टेन आउट हो रही है, उन सब की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज द मेन ब्रांच। आफ्टर दैट इसमें सब सब्जेक्ट्स होंगे जो आप फर्दर सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक हर्बल स्टडीजेशन ऑफ ड्रग एंड काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, व्हाट इज इट? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रॉड टर्म्स व्हिच कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज। इट इज द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी how we can define how we can identify the how much pure quantity of particular drug is available, यानी कि कोई हमारे पास रॉ मटेरियल आया है, अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितने प्योर फॉर्म में है,
लाइक उसकी प्योरिटी हमको चेक करनी है, तो वो हम एनालिसिस में पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होती है, टाइट्रेशंस होती हैं, वो हमको पढ़नी होती है, दैट इज वन सब्जेक्ट ऑल्सो। ये मेन मेन सब्जेक्ट्स आई थिंक मैंने कवर कर दिए हैं। नाउ दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो कि मिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट से जो हमने प्रीवियस अभी पढ़े हैं, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से नहीं है। तो अल्फाबेटिकली मैं जो है आपको पढ़ाऊंगी, और ये जो सारे टर्म्स हैं आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल होंगी। अगर आप सर्च करते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएंगी। रेफरेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, तो बाय दिस रेफरेंस आप सर्च कर सकते हो, या फिर सिंपल भी आप गूगल पे टाइप करोगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये एक समझाने के पर्पज से आपको ये बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से, दैट इज एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट होता क्या है? द टाइम इट टेक्स अ ड्रग टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। हमने कोई भी टैबलेट कंज्यूम कर ली, हमने कोई भी टैबलेट खा ली, उसके बाद वो स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जो फर्दर प्रोसेस होता है वहाँ गई, वो उसके बाद कितनी देर के बाद वो एब्जॉर्ब होती है, कितनी देर के बाद आपके ब्लड में वो पहुंचती है। तो वो जो जितनी जल्दी पहुंचेगी वो जल्दी एब्जॉर्प्शन रेट काउंट होगा। मान के चलिए कोई ड्रग 5 मिनट में ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर आपको वो इफेक्ट शो कर रही है, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा। कुछ 10 मिनट में पहुंच रही है तो वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कंज्यूम करने के बाद, खाने के बाद, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर डायरेक्ट आप इंजेक्टेबल कर रहे हो या टॉपिकली आप अप्लाई कर रहे हो, तो एब्जॉर्ब कितनी देर में हो रही है, ब्लड में कितने टाइम में पहुंच रही है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन रेट, राइट। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एक्यूट, अ कंडीशन विद अ फास्ट ऑनसेट टाइम सर्व इफेक्ट एंड शॉर्ट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन। एक्यूट क्या है? एक कंडीशन, एक फास्ट ऑनसेट टाइम की, जिसके इफेक्ट होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन और जो शॉर्ट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है, दैट इज नोन एज एक्यूट। अब एडवर्स रिएक्शंस क्या है? एन अनडिजायर्ड और नेगेटिव रेस्पॉन्स टू ए मेडिकेशन और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। एडवर्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं कि जो नेगेटिव रेस्पॉन्स हैं, आपने कोई ड्रग कंज्यूम की उसके बाद कोई आपको एलर्जी हो गई, आपको वोमिटिंग हो गई, आपको सर दर्द हो गया है, तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज नोन एज एडवर्स इफेक्ट, जो अनडिजायरेबल होते हैं, नेगेटिव। हमको चाहिए तो नहीं कि हमने कोई दवाई फायदे के लिए खाई है वो हमको उल्टा और बीमार कर रही है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो रेस्पॉन्स मेडिकेशन का रेस्पॉन्स या फिर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन अगर हो गया, दैट विल, यानी दो ड्रग्स का अगर इंट्रैक्शन हो गया है, इंट्रैक्शन का मतलब है कि उनके बीच में रिएक्शन हो गई है, तो वो भी एडवर्स रिएक्शन में काउंट होगी, राइट। अब है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है? एक ड्रग, ए ड्रग दैट ट्रिगर्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे एक नई टर्म्स आई है, रिसेप्टर। रिसेप्टर इज बेसिकली, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो, खांचे बने हुए होते हैं हमारी मेम्ब्रेन पर, जहाँ पे हमारी टैबलेट या कोई भी मॉलिक्यूल जाके, ड्रग का मॉलिक्यूल जाके स्टिक होता है और वो एंटर करता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, क्रॉस करता है, तब जाके वो अपना थेरापूटिक इफेक्ट या फिर जो इफेक्ट है वो शो करता है, उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, जहाँ पे जाके उसको बाइंड होना है, जहाँ पे उस मॉलिक्यूल को जाके बाइंड होना है, उसके बाद वो एंट्री लेता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, देन वो इफेक्ट शो करता है, दैट इज नोन एज रिसेप्टर। तो एगोनिस्ट वो है जो ट्रिगर करता है रिसेप्टर को, ट्रिगर करता है यानी कि प्रोवोक करता है रिसेप्टर को कि वो प्रोड्यूस करे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। एलर्जी क्या है? एज वी ऑल नो, बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी, एलर्जी होती क्या है? एक हाईली सेंसिटिव रिएक्शन टू एन अदरवाइज हार्मफुल सब्सटेंस। कोई एक हार्मफुल सब्सटेंस या फिर आपको नहीं पता था कि इससे एलर्जी आपको हो जाएगी, वो आपने कंज्यूम कर ली ड्रग, तो उससे जो हाईली सेंसिटिव रिएक्शन होती है आपकी बॉडी में, जो एलर्जी के रूप में आपकी बॉडी से बॉडी पर शो होती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी, राइट। एम्प्यूल क्या है? एम्प्यूल मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं या फिर कोई भी डॉक्टर है, तो वो एम्प्यूल बेसिकली वो इस तरीके से उसको तोड़कर तब वो फिल करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर ग्लास का जो कंटेनर है वो एम्प्यूल कहलाता है। ए स्मॉल सील्ड ग्लास वायल, एक स्मॉल पूरी तरह से सील्ड ग्लास वायल
जो कि ब्रोक करके ओपन की जाती है यूज करने के लिए, और हमेशा उसको इस तरीके से हम इस तरीके से हम उसको ब्रेक करते हैं जो डॉक्टर हैं, ताकि जो उसके ग्लास पार्टिकल, जो ग्लास ब्रेक हुआ उसके पार्टिकल्स उस दवाई में ना चले जाएं, उस मेडिसिन में ना चले जाएं, तो इस तरीके से बाहर की ओर उसको हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके उसको यूज किया जाता है, और जनरली जो है ये इंजेक्शन का जो सॉल्यूशन होता है या इंजेक्टेबल्स होते हैं उस इसमें फिल किए जाते हैं, उसको हम एम्प्यूर बोलते हैं, राइट। एनाल्जेसिक्स क्या है? ड्रग्स यूज टू रिड्यूस और सप्रेस पेन। वो ड्रग्स जो हम पेन को रिड्यूस करने के लिए या सप्रेस करने के लिए कंज्यूम करते हैं, या फिर वो ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करती हैं या सप्रेस करती हैं, कम करती हैं, उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। सम ऑफ ड्रग्स इन दिस क्लास इंक्लूड, कुछ इसकी एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन है, मोरफिन है, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनाल्जेसिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ए ड्रग दैट कॉज एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया जो कॉज करती है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ऑपरेशंस आप पेशेंट को अनकॉन्सियस किया जाता है, उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो वो ड्रग जो एनेस्थीसिया यानी कि अनकॉन्सियस स्टेज जो है वो करती है, उन ड्रग को हम बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया क्या है? एक शॉर्ट टर्म के लिए अनकॉन्सियस करना या लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए, सर्जरी जब हम कर रहे होते हैं, सर्जरी जब हो रही होती है उस टाइम पर एनेस्थीसिया दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि उसको पेन फील ना हो, वो अनकॉन्सियस हो जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग जो डिजाइन की जाती हैं एक रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट जो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट करता है उसको ब्लॉक करने के लिए एंटागोनिस्ट कहलाती है। अब है एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल। एंटीबायोटिक क्या है? समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पजेस। एन एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रेट सॉरी ग्रोथ ऑफ किल और किल द माइक्रोबियल। एंटीबैक्टीरियल सप्रेस द ग्रोथ और किल। अच्छा, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल क्या है? वो मेडिसन या वो आप कह सकते हो प्रिपरेशन दैट इज बेसिकली यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और या फिर उनको किल करने के लिए यूज की जाती है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल्स। एंटीमेटिक्स क्या होती हैं? जो हमारे सप्रेस करती हैं, नोज या वोमिटिंग नहीं होने देती हैं। अगर हमको वोमिटिंग आ रही है तो हम एंटीमेटिक ड्रग्स ले लेंगे जो प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, नहीं होने देती है, उसको हम बोलते हैं एंटीमेटिक्स। नेक्स्ट क्या है? एक्वस। व्हेन समथिंग इज और टू बी वाटर बेस्ड, कोई भी सब्सटेंस, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं जिनका बेस जो है वो वाटर का होता है, वाटर में उनको मिक्स कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस इज इक्वल टू वाटर बेसिकली। एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? ए सैनिटेशन प्रैक्टिस परफॉर्म टू मिनिमाइज कंटामिनेशन बाय पैथोजन। पैथोजन से कंटामिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए एक सैनिटाइज करने की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? एसेप्टिक टेक्निक। मान के चलिए हम जो सैनिटाइजर से करके हम अपने हाथों को वो कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो वो क्या है? एसेप्टिक टेक्निक। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो हमारे हाथों पे पैथोजेंस हैं या पैथोजेंस से हमारे कंटामिनेशन जो हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर पाए। तो ये आज मैंने कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, रेफरेंस यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप इससे भी अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल है गूगल पे। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के पर्पज से ये वीडियो अपलोड की है। तो दिस विल बी द पार्ट वन ऑफ टर्मोलॉजी वीडियो। अभी मैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्म किशन। Thank you for watching this and thank you for all love and support.